बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैसे हो आप सब आई हो कि आप सब अच्छे होंगे तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी हल्दी फंक्शन के लिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने येलो साड़ी और येलो चूड़ी पहन लिया है लेकिन अभी हमारा मेकअप नहीं हुआ है तो चलो मेकअप करते हैं लेकिन मेकअप करने से पहले हमें आजकल हल्दी फंक्शन में बहुत ज़्यादा ट्रेंड है ज्वेलरी की जो कि बहुत ही अलग रहता है आप सबको पता होगा कि कैसे आता है हल्दी फंक्शन के लिए ज्वेलरी तो चलो पहले ज्वेलरी बना लेते हैं उसके बाद फिर मेकअप करेंगे तो चलो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो आपको लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हो और ये देखो यहाँ पे मेरा येलो येलो चूड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा है तो चलो ज्वेलरी पहनेंगे ना तो और भी येलो बहुत ज़्यादा खूबसूरत सा लगेगा हाँ और अंश को भी मैं रेडी कर दी हूँ वो भी आज येलो पहना है तो चलो पहले अंश को दिखाती हूँ उसके बाद फिर आपको भी बनाना भी शेयर करेंगे ये। मम्मी बेटा येलो 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 पहना बोल दी तो पहले ज्वेलरी कैसे बनाती हूं उसको देख लीजिए उसके बाद फिर तैयार होंगे तो यहाँ पे जो भी हमें सामान लगना है ज्वेलरी बनाने के लिए वो सब यहाँ पे मैं इकट्ठा कर ली तो सबसे पहले मुझे लगेगा कपड़ा उसके बाद लगेगा मोती और यहाँ पे मैंने ले लिया है येलो वाला कपड़ा तो यहाँ पे मेरे पास दो किस्म का कपड़ा था एक थोड़ा सा गोल्डन टाइप का येलो था मतलब उसमें गोल्डन भी था और येलो भी था और एक कुछ इस तरह से एकदम प्लेन येलो वाला था तो मैंने यहाँ पर प्लेन वाला फैब्रिक लिया है जिसको मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से स्क्वायर शेप में ना कट करूँगी और साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हो जितना आपको छोटा बड़ा चाहिए मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से साइज लूंगी इसका तो आज मैं बनाने वाली हूँ मांग टीका और इयर तो आज दोनों बनाने वाले हैं तो यहाँ पे मुझे लगभग मतलब इस टाइप का ना स्क्वायर शेप का मतलब पंद्रह टुकड़ा चाहिए कपड़े का और उसके बाद कुछ इस तरह से उसको मोड़ देंगे मोड़ के कुछ इस तरह से इसको फ्लावर वाला शेप दे देंगे इसके बाद यहाँ पे एक सुई धागे की हेल्प के उससे अच्छे से नॉट लगा देंगे ताकि वो अच्छे से ना एक फ्लावर बन जाए तो इसी तरह से हम अपना बाकी का जितना भी है ना सबको बना लेंगे और यहाँ पे आपको मशीन वगैरह कुछ की ज़रूरत नहीं है बस कपड़ा चाहिए कैंची चाहिए और धागा चाहिए तो यहाँ पर मैंने पाँच फ्लावर बना लिया है तो चलो अब सबको इकट्ठा जोड़ देते हैं और यहाँ पे बैठा है अंश सांत में यहाँ पे ऑरेंज खा रहा है तो यहाँ पे कितना मस्त खुद से ही ऑरेंज छील रहा है अपना तो ये देखो पूरा ही ऑरेंज छील दिया लेकिन ये वाला ऑरेंज ना बहुत ज़्यादा खट्टा था तो हम लोगों ने नहीं खाया था यहाँ पे हम लोग खा रहे हैं अभी अंगूर ग्रेप्स तो ये अच्छा था ना बहुत ज़्यादा मीठा था तो यहाँ पे इसको मजे से खा रहा है ऑरेंज छील के उसको छोड़ के फिर रख दिया है तो चलो अपना ज्वेलरी बनाते हैं अब तो यहाँ पे मैं पूरा पंद्रह जो फ्लावर बनाई हूँ ना उसको इकट्ठा कर ली उसके बाद सभी को यहाँ पे एक सुई धागा की हेल्प से इकट्ठा जोड़ लेंगे उसके बाद फिर उसमें नोट लगाएंगे ना तो बहुत ही सुंदर सा फ्लावर यहाँ पे एक बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने सभी को जोड़ लिया है अब यहाँ पे अच्छे से हम लगा लेंगे नोट तो कुछ इस तरह से अच्छे से लगा लेंगे आपको जितना कड़ा मतलब कड़ा ही अच्छे से बांधना है उसके बाद अगेन एक बार और नोट लगा लेंगे अच्छे से और यहाँ पे अंश थोड़ा सा बदमाशी कर रहा था कैमरा को इधर उधर हिला रहा था तो ये देखो कुछ इस तरह से हमने अच्छे से यहाँ पे बांध लिया है उसके बाद जो एक धागा है ना उसको मैंने कट कर दिया था और यहाँ पे एक फ्लावर बन के रेडी है अब बीच में हम उसी धागा को लेके जाएंगे और वहाँ पे हम एक मोती लगाएंगे बीच में तो बहुत ही सुंदर सा एक डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे मैंने वाइट वाला एक मोती लिया है आप चाहो तो कलर वाला मोती भी ले सकते हो लेकिन वाइट वाला बहुत सुंदर दिखता है तो उसके बाद फिर से हम ना पीछे से निकालेंगे धागा को और धागा के पूरे मतलब उसमें मोती लगा कर मांग टिका बनाएंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने रेडी कर लिया है मांग टिका अपना ये देखो हमारा मांग टिका बन के यहाँ पर अच्छे से रेडी हो चुका है अब चलो बनाते हैं इयर रिंग एयर रिंग बनाने की बारी है यारिंग। यारिंग तो उसी उसी तरह से ना फिर से मैंने फ्लावर बना लिया है दो और ये रहा मांग का अब इयर रिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने सिंपल सा मेरा पुराना वाला इयर है जो कि इजीली पाँच रुपये या दस रुपये में मिल जाएगा बीच में एक स्टोन है उसके बाद मैं यहाँ पे इसके ना बीस से लगा रही हूँ आप चाहो तो मोती लगा सकते हो ऊपर में और फिर नीचे में ना फेविक से चिपका के फिर इयर बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो तो मैं यहाँ पे बस अभी ऊपर से ही सीधा उसको डाल देती हूँ जो इयर है उसको और पीछे से फिर उसका नॉट वाला लगा लेंगे और देखो कुछ इस तरह से हमारा इयर बनके बन के भी रेडी हो चुका है तो ये रहा हमारा मांग टीका इयर तो चलो अब आपको अच्छे से मेकअप के साथ इसको पहन के फिर दिखाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं मेकअप करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल सा मेकअप करने वाला है कोई भी ताम नहीं होगा आज के मेकअप में तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले हूँ टोनर गुड वाइब्स का रोज गोलोड टोनर तो अच्छे से अपने फेस में लगा लेंगे इसको उसके बाद हल्का सा टेप टेप करके इसको सूखने देंगे इसके बाद मैं यहाँ पे सनस्क्रीन या फिर मॉइस्चराइज़र क्रीम दोनों में से कोई भी लगा सकते हो तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र क्रीम नहीं सनस्क्रीम लगाई हूँ शायद भूल गई उसके बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लैकमेगा सी सी क्रीम जो कि बहुत ही हल्का सा लगाएंगे कोई एकदम भारी मेकअप नहीं है बहुत ही सिंपल सा एकदम लाइट सा मेकअप है तो यहाँ पे ब्यूटी ब्लेंडर को भिंगाना भूल गई थी तो मैं यहाँ पे टोनर डाल दे रही हूँ ताकि हल्का सा गिल्ला हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से फिर यहाँ पे ब्लेंड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा वीडियो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है इतना जल्दी जल्दी मैं ब्लेंड नहीं कर रही हूँ आपको ना ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करना है जिससे कि ना आपका मेकअप बिल्कुल भी काला नहीं पड़ता है और बाहर से सनलाइट आ रहा है तो कभी धूप कभी छाया टाइप का हो रहा है तो फेस थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है फिर मैं पूरा मेकअप करने के बाद बाहर में जाके अच्छे से आपको अपना लुक दिखाऊंगी और यहाँ पे देखो वंस भी रेडी हो रहा है साथ में पता नहीं क्या क्या लगा रहा है अपने फेस में और यहाँ पर मैं अपना आईब्रो फिल कर रही हूँ तो अभी मेरा आईब्रो बनानी है ना तो थोड़ा सा मोटा मोटा लग रहा है लेकिन ऐसे मेरा एकदम आईब्रो बहुत ज़्यादा पतला है और यहाँ पर मैं लिपस्टिक यानी ब्लश लगा रही हूँ लिपस्टिक को ही हल्का हल्का सा थोड़ा सा हमारा चिक पिंक पिंक दिखेगा तो और भी अच्छा लगेगा और फिर इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे यहाँ पे मैं लगा रही हूँ लिपस्टिक जो कि रेड कलर में है और मैं तो ऊपर से थोड़ा हल्का सा पिंक वाला लगा लिया था उसके बाद अपना इयर पहन लेंगे और मांग टीका लगा लेंगे और यहाँ पे हम हल्दी फंक्शन के लिए हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी तो कैसा लग रहा है आपको मेरा ये वाला लुक कमेंट करके बताना वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सो so गाइज़ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बाहर में कुछ इस तरह से दिख रहा है मेरा फेस जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा है आप लोगों लोग को कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी आपको मेरे वीडियो में सीखने को मिला है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलो मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में